गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कल के सेशंस अच्छे लगे हैं। तो आज का सेशन जो है आपका है मैराथन सेशन। कल था हमारा महामैराथन, तो आज है हमारा मैराथन सेशन। महामैराथन में हमने कंप्लीट कंप्यूटर क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज पूरा पेपर बेस्ड पैटर्न है। तो देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए शुरू कीजिए, क्योंकि पहले भी एक बार लाइट चली गई थी। चलिए मैराथन सेशन, रिवीजन सेशन है, कंप्यूटर्स की नहीं है। पहला सेशन, पहला है आपका हिमाचल जीके। देखिए आज आपका हिमाचल जीके भी मैं इसी सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी कि आपका पेपर बेस्ड हो जाए। कल फिर से महामैराथन है, ठीक है। और कल थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे की क्लासेस भी मिस मत करना। फ्राइडे की क्लास जो है दैट इज योर प्रॉपरली, एक कहा जा सकता है इट्स अ प्रॉपरली 3 आवर्स क्लास, जिसमें आपका सिर्फ रिवीजन होगा, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह वाज इनवाइटेड बाय द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट टू फाइट मुगल्स। गुरु गोविंद सिंह को किस मतलब मुगल से लड़ने के लिए किस राजा ने बुलाया था, किस रियासत के राजा ने बुलाया था? बुशहर के, हिंडोर के, सिरमौर के या सुकेत के? देखिए बुशहर जो है एक ऐसी रियासत है जिसको 1857 की क्रांति में जिसने जो है क्या नहीं किया था, आपके मुगल अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। सेकंड, इसको बनाने वाले थे प्रद्युमन, जो कि कृष्ण का अवतार है, इसको ये भी बोल सकते हैं कृष्ण के बेटे थे ये। और प्रद्युमन ने ही बनाई थी बुशहर, जिसने कैपिटल क्या रखी थी, कामरू। और कामरू से सरहान किया था छतर सिंह ने। राजा केहरी सिंह वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर, जिसको हैंगरैंग वैली मिली थी क्योंकि उन्होंने तिप्तियंस का साथ दिया था। हैंगरैंग वैली की कैपिटल क्या है, लियो। और केहरी सिंह ने ही आपका क्या शुरू किया था, लवी मेला। सबसे पुराना मेला कौन सा है, लवी मेला, जो 400 साल पुराना है, ठीक है। फिर बुशहर के बाद राम सिंह ने क्या बनाया था, रामपुर, तो ये याद रखना। और लास्ट रूलर वॉज पदम सिंह, कौन सा ऐसा राजा था जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, वो था शमशेर सिंह। तो ये सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। हिंडोर को बनाने वाले कौन थे, अजय चंद। अजय चंद किसके बेटे थे, कहाल चंद के बेटे थे, ठीक है। इस टाइम पे तैमूरलंग आए थे, जिन्होंने जिसका सपोर्ट किसने किया था, आलमचंद ने किया था। और आलमचंद कौन थे, जिसने किसका सपोर्ट किया था, तैमूरलंग का, जिसकी वजह से हिंडोर पे जो है कोई अटैक नहीं किया गया। फिर हिंडोर के बाद नालागढ़ किसने बनाया, विक्रम सिंह ने, इसकी विक्रम सिंह ने बनाया। और रामशरण और संसार चंद के बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे। आपको पता है हिंडू जो नालागढ़ है वो 1966 से पेप्सू के अधीन था, ठीक है। और नालागढ़ आधा किसमें है, सोलन में। सिरमौर या सुकेत, देखिए सुकेत आंसर क्या आएगा, सिरमौर। मेदनी प्रकाश के टाइम पे जो थे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। और गुरु गोविंद सिंह और भूमि चंद ने जो है आपका भीम चंद, जो कि राजा केहलूर के थे, उन दोनों ने मिलके जो है मुगल्स को हराया था। ये भी याद रखना, भीम चंद और आपका गुरु गोविंद सिंह के बीच की जो लड़ाई है उसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ भगनानी। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ भगनानी, ये भी याद रखना। और ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स और अमर सिंह थापा के बीच में। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज्वालामुखी की संधि किसके बीच में हुई थी, रंजीत सिंह एंड संसार चंद। तो सुकेत को बनाने वाले थे वीर सेन, ठीक है। मंडी में भी गुरु गोविंद सिंह आए थे, लेकिन वो किसके टाइम पे आए थे, मंडी के रियासत में आए थे, सिद्ध सेन के टाइम पे। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर ये हिमाचल प्रांत बना। और उस टाइम पे हमारे फर्स्ट आयुक्त कौन थे, एनसी मेहता। 51 में ये हमारा पार्ट सी स्टेट बना था, आयुक्त खत्म होकर पार्ट सी स्टेट, जो कि जनरल हिम्मत सिंह ने बनाया था, ठीक है। 1954 या 56, देखिए 54 में बिलासपुर बना था, हमारा पांचवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये नहीं है, पार्ट सी के बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब आई थी, 1955 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आई थी तो ए बी सी कैटेगरीज को रिमूव कर दिया गया था। तो आंसर इज 1956 में हिमाचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा है। और पहले कौन थे, मेजर हिम्मत, आपके यहाँ पे थे मेजर हिम्मत सिंह। तो यहाँ पे जब
आपका बहादुर सिंह वॉज द फर्स्ट गवर्नर, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी 56 से 71 तक रही है, ठीक है। कुंजुम पास इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कुंजुम पास जो है या कुंजुम दर्रा वो कहाँ पे है, कुल्लू, चंबा आपका, लाहौल स्पीति या कांगड़ा, कुल्लू में है आपका पिन पार्वती, ठीक है। अगर कुल्लू में देखा जाए तो जलोड़ी पास है जो आउटर सिराज और इनर सिराज को अलग करता है, चंबा आपका दरटी पास, वारू पास, साच पास, कांगड़ा तमसार पास, ठीक है। तो आंसर इज लाहौल स्पीति। लाहौल और स्पीति को कौन कनेक्ट करता है, कुंजुम पास। बसपा इज द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, बसपा ब्यास की नहीं है, ठीक है। ब्यास, ब्यासकुंड, अरिजकिया, विपाशा, ब्यास निकलती कहाँ से, ब्यासकुंड से निकलती है एंड देन इसके बाद मंडी में ये कहाँ से एंटर करती है, आपके संधोल बजोरा, और कांगड़ा में एंटर करती है संधोल से, और पंजाब में मीरथल, और फिरोजपुर जो आपका हरी का पट्टन है वहाँ पे सतलुज से मिलती है। चेनाब असिकिनी, ठीक है, इसकी सियार नाला, मियार नाला जो है ये है। भुजन में पांगी से, संसारी नाला में चंबा को छोड़ के पोडर वैली। बसपा यमुना, यमुना जो है 22 किलोमीटर सबसे छोटी नदी है, कालिंदी, ठीक है। टॉन्स गिरी कल हमने की थी, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये नहीं है। आंसर क्या है, बसपा किसी की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की, और सतलुज कहाँ से निकलती है, कर्च, बसपा हिल से निकलती है और करछम पास में, बसपा हिल से निकलती है और कहाँ पे, सतलुज के साथ कहाँ पे मिलती है, करछम में। और करछम क्या है, आपका किन्नौर में है जहाँ पे आपका शिप ब्रीडिंग फार्म भी है, और करछम वांगटू एक प्रोजेक्ट भी है जो कि सतलुज नदी पे बना है। नाउ नेक्स्ट आता है, क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्यास, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, देयर आर 5 नेशनल पार्क्स। सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, फिर कुल्लू में ही 3 है, इंद्र किला, खीर गंगा, फिर आपका आता है पिन पार्वती जो कि स्पीति पे है, और दूसरा जो पांचवा है आपका वो है आपका सिंबलवाड़ा जो कि सिरमौर में। तो ये तो नहीं है, इसका मतलब सेंचुरीज पूछिए, सेंचुरीज कितनी है, 33। हिमाचल कितना कवर करता है फॉरेस्ट, दैट इज स्क्वायर किलोमीटर, और 66% फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब कायस क्या है, चंबा में तो आपकी खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तुंडा है, देन कुगती है, ये है सेचुनाला है, किन्नौर में रूपी बाबा लिपा आश्रम, ठीक है। तो उसके बाद मंडी में है नारगू, शिकारी, बांधली, ठीक है। तो आंसर इज कुल्लू। कायस, खोखन जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो कहाँ पे है, क्यास में। तो यहाँ तक कितने क्वेश्चन सही है, यहाँ तक किस किस को सेशन अच्छा लगा, और जितनों को भी अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आने वाले सेशंस आपके साथ अच्छे से ले सकें। बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहादुरपुर फोर्ट जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में है। ऑप्शंस आपके सामने, फास्टली आप आंसर्स देते चलिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी ताकि, और हाँ शेयर जरूर करना प्लीज। बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सोलन, सिरमौर, ऊना या बिलासपुर। तो देखिए, सोलन में जटोली टेंपल सबसे ऊंचा है, सोलन को स्प्रून वैली भी कहते हैं, रेड वैली भी कहते हैं, वाइस परमार यूनिवर्सिटी भी है, मोहन म्यूकिन ब्यूरी भी है, इंडस्ट्रियल सिटी हिमाचल की सोलन है, ठीक है। देन उसके बाद सिरमौर, सिरमौर में आपका जातकगढ़ फोर्ट, रावणगढ़ फोर्ट जो है वीर प्रकाश ने बनाया था, सिरमौर में आपका मोती महल, आपका शीश महल फतेह प्रकाश ने बनाया था, सिरमौर में अगर नाहन फोर्ट है जो कि करम प्रकाश ने बनाया था, ठीक है। सिरमौर को बनाने वाले कौन थे, रसालू, कैपिटल राजबन किसने रखी, शुभांश प्रकाश ने, उदित प्रकाश ने कालसी रखी, तो ये नहीं है। ऊना, ऊना में आपका क्या है, कुठलेर पैलेस है, कुठलेर फोर्ट भी है, तो ऊना में जो है आपका क्या है, सबसे छोटी रियासत भी कुठलेर है, तो ऊना में जो है दैट इज शिवबाड़ी भी है आपका, बाबा परमानंद आश्रम, बड़ू साहिब यूनिवर्सिटी, ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं, ऊना में। तो आंसर इज बिलासपुर। बहादुरपुर फोर्ट बनाया किसने था, विजयी चंद, इसने कैपिटल भी इसको रखा था, ठीक है, इसने जुडिशियल स्टैंप भी यूज की थी,
और बहादुरपुर कैपिटल भी इसने बनाई थी। ये चाहता था ब्रिटिशर्स की तरह अपना गवर्नमेंट को चलाना, बट लोगों ने इसका साथ नहीं दिया, बाद में इसको बनारस भेज दिया गया। नेक्स्ट, हरी राय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हरी राय टेम्पल कहाँ पे? मंडी में पंचवक्त्र टेम्पल है, भूतनाथ है, माधोराव की जलेब है, दमदमा महल है, ये सारे मंडी में पड़ते हैं। त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर है, आपका मसरूर रॉक का टेम्पल है, देन उसके बाद आपका ज्वाला जी है, सिद्ध पीठ है जो कि नेचुरल गैस के लिए भी प्रसिद्ध है, कुल्लू में आपका विश्वेश्वर टेम्पल है जो कि एकमात्र कुल्लू का सबसे बड़ा टेम्पल है जिसमें 20 छोटे छोटे पत्थरों के मंदिर बने हुए हैं, देन आपका इसमें हिडिम्बा देवी टेम्पल है। तो ये सारे कहाँ पे हैं? कुल्लू में। कुल्लू में है, आंसर इज चंबा। किसने बनाया था? लक्ष्मी वर्मन ने। और चंबा का लक्ष्मी नारायण टेम्पल साहिल वर्मन ने बनाया, बाल भद्र ने बंसी गोपाल मंदिर बनाया, सीताराम मंदिर यहाँ पे, नरसिंह टेम्पल यहाँ पे, 84 टेम्पल्स यहाँ पे। तो ये सारे किसने बनाए थे? चंबा। आपके हरी राय टेम्पल कहाँ पे? चंबा में, और लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण वर्मन ने बनाया। ठीक है, डांड्रा डांस इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? डांड्रा डांस कहाँ पे मनाया जाता है? डांड्रा डांस जो है ये आपका किन्नौर, लाहौल, पंगवाल या गद्दीस बनाते। किन्नौर्स का डांस जो होता है वो क्या है आपका? उखियांग, बकियांग, बयांगचू, ठीक है, ये हैं आपके डांसेस। लाहौल्स के हैं शान एंड शाबू जो कि आपके बुद्धिस्ट के लिए मनाए जाते हैं। इसमें जो है आपका राक्षस डांस है, ठीक है, डेमन डांस। आपका पंगवाल्स जो है फूल यात्रा, जाकड़ा डांस होता है। लीशू जो है ये बिसोहा के लिए यूज होते हैं। आंसर इज गद्दीस। डांड्रा डांस जो होता है ये गद्दीस परफॉर्म करते हैं, और गद्दीस किसके पूर्वज है? खत्रीज। गद्दीस की किस जात को बिलोंग करते हैं? खत्रीज। और ये किसके पूर्वज हैं? औदम्बराज। किसके भक्त? औदम्बराज किसके भक्त होते हैं? शिव भक्त हैं, इसीलिए इनवाला यहाँ पे मनाया जाता है। The themes of Gompa paintings are derived from the love poems composed of, जो आपकी गोम्पाज हैं, देखिए सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है की, सबसे ओल्डेस्ट गोम्पा या मोनेस्ट्री, टैबो इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसको अजंता ऑफ हिमालयाज भी बोलते हैं। करदांग है, गुरु घंटाल है, शासन मोनेस्ट्री है, तायुल मोनेस्ट्रीज है, ये सारी जो है ये आपकी कहाँ पे पड़ती हैं? ये पड़ती हैं लाहौल स्पीति में। अब ये जो गोम्पाज हैं, देखिए गोंडला फोर्ट जो है मानसिंह ने बनाया था लाहौल स्पीति में, तो ये भी याद रख लीजिए, गोंडला फोर्ट किसने बनाया था आपका? मानसिंह ऑफ कुल्लू, ठीक है, गियो तांत्रिक यूनिवर्सिटी में, आपकी धर्मशाला में, सिद्धबाड़ी में। तो ये जो गोम्पाज हैं ये किसने बनाए थे? जयदेव और केशव दास ने। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। लॉसर इज द फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश? जो आपका लॉसर है, लॉसर को हम इस नाम से भी जानते हैं, न्यू ईयर। जो बुद्धिस्ट हैं या लाहौल स्पीति में न्यू ईयर के फेस्टिवल को हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर इज कॉल्ड लॉसर। जो कौन मनाते हैं? तो लाहौल स्पीति में मनता है, लाहौल स्पीति में फेब्रवरी के मंथ में मनता है। तो ये जो लॉसर फेस्टिवल है दैट इज द न्यू ईयर फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट किसके? लाहौल स्पीति के। हालदा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, बुद्धिस्ट मनाते हैं। हिंदूज तो आपके सारे त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम्स में आपकी ईद आती है, जैन जो है महावीर जयंती मनाते हैं। तो जो लॉसर फेस्टिवल है ये पर्टिकुलरली किसके लिए है? बुद्धिस्ट के लिए। देखिए इससे आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपका, जैसे आपको फुलेज आ सकता है, तो फुलेज जो फेस्टिवल है वो किन्नौर का फेस्टिवल है, जो कि आपको कौन मनाता है? आपके किन्नौर के लोग। कब मनाते हैं? जब आपका क्या कहते हैं, जब पितृपक्ष आता है, ठीक है, श्राद्धों के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, लाहौल स्पीति का हालदा फेस्टिवल पूछा जा सकता है, लद्दाचा फूल सकते हैं। एक होता है चतरौल। चतरौल जो है दैट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन किन्नौर। चतरैल जो होता है दैट इज द फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, वैली ऑफ शेडोज किसको कहते हैं? तो वैली ऑफ शेडोज इज नोन एज पिन पार्वती, जो कि कुल्लू में है।
हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ तारागढ़ इन नूरपुर। तो पहली चीज, नूरपुर का नाम क्या था? धमेरी, जिसको बनाने वाले थे जेतपाल। पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकलता है, ठीक है। भक्तपाल जो थे यहाँ से रिलेटेड थे, जिसने शाहपुर फोर्ट बनाया था, भक्तमल जिसको बोलते हो, अकबरनामा में उसका मेंशन है, तो ये नहीं है। देन उसके बाद आपका तरकपाल नहीं है, ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हो। तरकपाल नहीं है, गुरंगपाल नहीं है, महाबत खान नहीं है। आंसर इज जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम पे जहांगीर आए थे नूरजहां के साथ, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? नूरपुर। तिप्तिन कॉल्ड किन्नौर एज, किन्नौर कहाँ से निकली है? सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट है। कब बना था? 1916 में। किससे कार्ब्ड आउट हुआ था? चीनी से। और चीनी को बनाने वाले कौन थे? रघुनाथ सिंह, जो कि किसके बेटे थे? आपके शमशेर सिंह के बेटे, ठीक है। तो अब क्या है? खुन्नू, खांडवाश, मोने या बुशहर? बुशहर प्रद्युमन ने बनाई और छतर सिंह ने इसकी कैपिटल सरहान रखी। मोने, मोने जो है ये लद्दाख के पीपल बोलते हैं, लद्दाख के लोग जो हैं इसको मोने कहते हैं। तिब्बतियन जो हैं ये खुन्नू कहते हैं, तिब्बतियन लोग इसको खुन्नू कहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका किन्नौर है इसको अश्वमुखी भी बोला जाता है, इसको अश्वमुखी भी बोला जाता है। हु फाउंडेड द स्टेट? सुकेत इन 765। देखिए सुकेत ये किसका पार्ट है? ये मंडी का पार्ट है। जो आज मंडी टाउन है वो अजबर सैन ने बनाया है, और ये अजबर सैन जो आज का मंडी है, तो आज का मंडी दो रियासतों से बना है, एक सुकेत जो कि 765 में बनी थी, एक आपकी मंडी जो कि आपकी 1000 AD में बनी थी, ठीक है, जिसको बनाया था बाहु सैन ने, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन है जिसने, छतर सैन, छतर सैन ने सरहां कैपिटल रखी, छतर सिंह कर लीजिए, छतर सिंह, ठीक है, तो वो थी सरहान कैपिटल, आप ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये नहीं है आपका बिक्रम सैन, नहीं, कल्याण सैन ने कल्याण सिंह की बॉडी बनाई थी। तो आंसर इज आपका वीर सैन, वीर सैन या वीर सैन। और इसने कैपिटल किसको रखा था? पनगना को। और पनगना किसको डायरी पे दी थी? मुशान वर्मन, जो कि किसके राजा थे? चंबा के राजा थे। अपनी बेटी को जब शादी की थी तो मुशान वर्मन के साथ, तो पनगना कैपिटल दे दी थी, ठीक है। Who was elected as the first chairman of Territorial Council? Territorial Council in 1957, जो कि 1963 में abolished होगी थी, खत्म होगी थी, फिर से Union Territory। तो answer is, देखिए ठाकुर करम प्रकाश, राम प्रकाश नहीं है, ठाकुर सेन नेगी जो थे ये हमारे CM रह चुके हैं, second CM, पदम देव last ruler of बुशहर। और पदम पैलेस जिसको सपनी फोर्ट भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? आपके किन्नौर में। Which place in HP is known as Little Tibet? Little Tibet किसे कहा जाता है? लाहौल स्पीति, धर्मशाला, रिवालसर या मनी? मनाली। मनाली में आपका अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है। मनाली इज फेमस फॉर कपिल मुनि, जिसके नाम से मनु टेम्पल भी है, कपिल मुनि मानसिंह ने बनाया। रिवालसर को लोटस पद्म कैन, सिसु फेयर यहाँ पे लगता है, और पद्म संभव से ये रिलेटेड है। धर्मशाला इज नोन एज लिटिल लहासा। तो आंसर इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को हम वैली ऑफ ग्लेशियर्स, वैली ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, ये राहुल सांकृत्या ने कही थी। देन उसके बाद आपका एंड्रयू विल्सन यहाँ पे आए थे। हारकोर्ट ने जो है यहाँ पे क्या कहा था? ग्लेशियर्स को क्रॉस, बड़ा शिगड़ी को क्रॉस किया था। तो ये लाहौल स्पीति है, जिसको लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, और लिटिल लहासा कहते हैं धर्मशाला को। और धर्मशाला से HP बोर्ड है यहाँ पे, वॉर मेमोरियल, सेंट जॉन चर्च, एंड देन उसके बाद एल्गिन को यहाँ पे दफनाया था, जिसकी वजह से जॉन चर्च बना था। देन आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, तपोवन यहाँ पे है, चिन्मय संदीपनी आश्रम यॉल पे है। देन इसके बाद मिनी इजराइल इसको कहते हैं, वो धर्म कोट को कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP वॉज, पहला इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन सा है? तो आपके KL सेठी नहीं, KC मेहता नहीं, KL मेहता या KC मेहता नहीं है, NC मेहता वॉज द आपके फर्स्ट चीफ कमिश्नर आयुक्त। अगर हम KL मल्होत्रा को याद कर लें, तो KL मल्होत्रा जो थे ये आपके क्या थे, आपके जो बोलते हैं ना ये HPSC कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, KL सेठी नहीं है। तो अगर हम KC मल्होत्रा थे, वो KL जो थे आपके ये फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं विधानसभा के, ठीक है।
तो आंसर इज पीएस राणा। पीएस राणा वाज़ द फर्स्ट चीफ आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर। लार्जेस्ट आर्ट है, हमने ये अगर किसी ने देखना होगा तो मॉक टेस्ट देखिए, उसमें ये सारे क्वेश्चंस को डील किया है। जैसे एल बी नेगी थे, तो एल बी नेगी अगर हमने याद करने हैं तो वो फर्स्ट डीजीपी थे। आपके बी आर शर्मा जो थे वो आपके फर्स्ट ग्रीवियंसेस के वीपी गुप्ता थे, ये याद रखना। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? रेणुका, तो रेणुका लार्जेस्ट है लेकिन नेचुरल है। कहाँ पे है? नाहन में, सिरमौर में। पंडो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, ब्यास नदी पे बनी है और इसी पे देहर प्रोजेक्ट भी बना है। चमेरा चंबा पे है जो कि रावी पे है। सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट दैट इज गोबिंद सागर झील। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे छोटी लघु मतलब सबसे कम लघु उद्योग है? देखिए बिलासपुर नहीं, यहाँ पे बिलासपुर में बरमाना सीमेंट्स है। चंबा में भी छोटी छोटी जैसे चंबा चप्पल बनती है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क यहाँ पे बनता है। देन किन्नौर में नहीं, आंसर इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कोई भी फैक्ट्री नहीं है। या टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड है, देखिए मंडी में है नारगू, ठीक है। दुलची पास जो है जो आपका मंडी और कुल्लू को अलग करता है, कुल्लू मंडी कुल्लू सिराज कर लीजिए, ठीक है। शिमला चूर चांदनी जो कि आपका सिरमौर और आपका शिमला को अलग करता है, और शिमला की है चांसल पीक, सिरमौर की है चूरधार। तो आंसर इज लाहौल स्पीति। आंसर क्या है? लाहौल स्पीति। गिफांग डाइटी जो है मेन डाइटी है, गिफांग ग्लेशियर है जिसको मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, छोटा मणि महेश भी बोलते हैं, आपका ये भी याद रखना। मनी रैंक पीक यहाँ पे है। नेक्स्ट आता है गौरी देवी का टिब्बा माउंटेन पीक इज लोकेटेड एट, गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पे है? हमीरपुर में है आवा देवी, सोलन में है आपका हाईएस्ट माउंट कैरोल, आपका सिरमौर में आ गया चूरधार। तो आंसर इज चंबा। और चंबा किस जगह पे है? पीर पंजाल। तो अब आता है हमारा कंप्यूटर सेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको हिमाचल जीके का सेशन जो है वो अच्छा लगा है। अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। पहली चीज़ ये बताइए यहाँ तक किस किस के क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल सही थे, किस किस के क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल सही गए हैं और सब कुछ आता है। वैसे आपको हिमाचल जीके तो आती है, मैंने देखा आप बहुत फास्टली आंसर देते हैं। कई स्टूडेंट्स जब कल देख रही थी मैं, हाउ मैनी डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट्स आर सपोर्टेड बाई एच टी एम एल, कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि एच टी एम एल सपोर्ट करता है? तो सबसे पहली चीज़ एच टी एम एल है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो किस पे डिपेंड करता है? हाइपर लिंक्स पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या चाहिए हमें? एच टी टी पी प्रोटोकॉल। तो जो एच टी एम एल है इनकी कितनी हेडिंग्स होती है? एच टी एम एल कब शुरू होता है, किससे डायग्नोज करते हैं? हम टैग से करते हैं। अगर ये टैग्स ओपन है और टैग्स क्लोज करना है तो ऐसे। और फिर एट्रीब्यूट्स, मेन फिनोमेना इज एट्रीब्यूट्स और टैग्स। तो एचटीएमएल में आपके कितने हेडर्स होते हैं? दीज आर सिक्स हेडर्स, ठीक है। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग और H6 इज द स्मॉलेस्ट। तो आंसर इज सिक्स। आपको प्री क्या होता है, बी आर क्या होता है, बी इज फॉर बोल्ड, ए फॉर इज फॉर एंकरिंग, हाइपर लिंक्स के लिए है, देन UL for unordered list, order list के लिए हम क्या लगाते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Dash is the application of ICT for delivering government services to the citizens. ऐसी कौन सी services हैं नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए ICT की एक application है? आपका computer technology के लिए, ठीक है, जो आपका ये है आईसीटी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजंस, क्या है आपका? ई गवर्नेंस, गवर्नेंस। अ लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट इन एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, अगर हमने कोई लार्ज लेटर लिखना है और उसको डेकोरेटिव, तो हम क्या करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, ठीक है। मेल मर्ज, मेल मर्ज आपको कहाँ मिलेगा? रिव्यू टैब की जो मेलिंग टैब है। स्मॉल कैप नहीं, आंसर इज ड्रॉप कैप, क्या आएगा आपका? ड्रॉप कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर मनी ट्रांसफर, कौन सा ऐसा मेथड है
जिससे हम डिजिटल ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो आजकल आपने देखा है हर चीज़ ऑनलाइन होती है, हर चीज़ आजकल हमें इजीली कि हम ऑनलाइन, आजकल इतना अच्छा प्रोसीजर हो चुका है कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। तो देर आर सर्टन प्रोसेसर, आजकल गूगल पे आ गया है, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी आ चुका है, देन उसके बाद आपकी ये सारे सर्विसेज चल पड़े हैं। तो इट्स अ वेरी इजी और कन्वीनियंट वे। तो आप क्या है, ये भी आपका डेबिट भी है, नेट सबसे मेथड कौन सा है, यूपीआई भी है आपका, बैंकिंग भी है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट। देखिए सबसे पहली चीज है, आज के क्वेश्चंस भी डील कीजिए, फ्राइडे तक आपके जो हैं प्रॉपरली क्वेश्चंस को जितने पूछे जाते हैं वो, जो नए पेपर्स में आए हैं वो, तो इन सेशंस को अभी मिस मत करना। अपनी तरफ से मैं बार बार कह रही हूँ कि तैयारी, बट आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, आपकी अपनी सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए, ठीक है। बाद में जैसे ये सेशन ख़त्म होगा तो मैं उन जो नए कैंडिडेट्स जेओए के जो हैं आपके 939 पोस्ट के लिए, ठीक है, 939 पोस्ट कोड के लिए आपका डिटेल वर्जन जो है वो चल पड़ेगा। तो पहले डिटेल स्टडी एंड देन फिर उसके बाद एमसीक्यूज। तो डिटेल स्टडीज़ के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर के साथ साथ चैनल को रिकमेंड भी कीजिए, ताकि आने वाले सेशंस हम और अच्छे से ले सकें। अगर आपको मेहनत और अगर आप हमें सपोर्ट करते हो। पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट, पैरेलल पोर्ट किसको कनेक्ट करता है, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, या देखिए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, फायर वायर पोर्ट्स, देन आपका पैरेलल है और सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली पर्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। पैरेलल पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं, ऐसे कनेक्शन, ऐसे डिवाइसेस जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल पोर्ट्स जो हैं वो प्रिंटर्स को भी करते हैं, प्रिंटर्स इज आउटपुट, स्कैनर इज इनपुट। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। जब हमने ग्राफिक्स को एज इट इज रखना है तो हम स्कैन करते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया। तो स्मॉलेस्ट यूनिट देखिए, एक बिट, चार बिट्स जो होते हैं वो आपके निब्बल के बराबर होते हैं। बग इज द एरर, इसको हम ग्लिच भी बोलते हैं, इसको हम ग्लिच भी बोलते हैं। बिट या बाइट, तो आंसर इज बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। एक बिट जो होता है वो आठ, एक बाइट जो होता है वो आठ बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या आता है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पीटाबाइट, देन उसके बाद यूटोबाइट्स, तो ये सारे आते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमरी डज अ कंप्यूटर हैव, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमरी, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स ऑफ मेमरी होती है, 4, 8, 1, 2, तो कंप्यूटर की मेन मेमरी होती है। और मेन मेमरी कौन सी होती है, रैम एंड रोम, परमानेंट मेमरी और टेम्पररी मेमरी। टेम्पररी मेमरी है रैम, और रोम जो है वो परमानेंट मेमरी है। रीड जो करती है वो रोम करती है, रैम जो है वो आपका रीड भी करती है और राइट भी करती है। तो आंसर इज टू, आंसर इज टू, ठीक है। तो रैम का आप रैम और द्रैम, किस मेमोरी को हम रिफ्रेश करते हैं, दैट इज डायनामिक, किसको हम रिफ्रेश नहीं करते हैं, दैट इज योर आपका स्टैटिक। और जो आपकी मेमोरी है आपकी रैम, उसको हम रिफ्रेश नहीं करते, वो कैश में यूज होती है। और जो रोम है वो रीड ही करती है, जिसमें हम ईप्रोम जो है उसको कहते हैं हम यूवी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। उसकी जो एरर्स हैं, या अगर हमें फिनिश करना है, डेटा को डिलीट करना है, तो हमें यूवी लाइट्स चाहिए। प्रोम जो होता है वो परमानेंट, ठीक है। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड एज, जो रोम में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, रोम में जो स्टोर्ड होते हैं उनका हार्डवेयर इज द इनपुट डिवाइसेस, जो फिजिकली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर विच इज कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो रोम है दैट इज फर्मवेयर, ये क्या है आपका फर्मवेयर, एक ऐसा पार्ट जो पर्टिकुलरली सीपीयू के साथ कनेक्ट रहेगा और हमारी प्रोसेसिंग को मतलब हमारे जो कंप्यूटर्स की याददाश्त है या मेमोरी है उसको रिफ्रेश करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, देखिए सीपीयू के अंदर अगर देखा जाए, सबसे पहली चीज सीपीयू को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए क्लॉक टाइम, ठीक है।
और जितना ज्यादा टाइम उतनी जल्दी एक्सेस होगा। तो आपका क्या है, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं सीडी, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं ये मेटालिक ऑक्साइड्स की बनी होती है। तो आंसर इज आपका सेमीकंडक्टर्स मेमोरी। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज यूज्ड ड्राइव इज यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, नहीं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, नहीं। टू प्ले अ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क विच इज नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल डिस्क। सबसे पहली चीज, यहाँ तक किसी को स्क्रीन में दिक्कत या फिर किसी को जो है क्लियर नहीं दिख रहा है वो भी बता दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर नहीं दिख रहा है तब भी बता दीजिए, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, मैं देख लेती हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं उसको ठीक कर। आई होप कि आपको ठीक दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज, जो आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो हम किस असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर, जल्दी बताइए, कंपाइलर, ट्रांसलेटर या फिर आपका असेंबलर। तो जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है आपका उसको हम किससे डील करते हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड एज कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर। देखिए अगर बात करें हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ट्रांसलेट करना असेंबली लैंग्वेज को, ट्रांसलेटर्स जो होते हैं ये इजीली से इजीली वर्क को प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये तो नहीं है, इंटरप्रेटर्स भी नहीं है। अगर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, असेंबलर्स। और असेंबली लैंग्वेज क्या है, मिड लेवल लैंग्वेज, मिड से हमें लो को करना है देन हमें असेंबलर्स चाहिए, और कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल तक करता है, ठीक है। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रन ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, एक प्रोग्राम जो आपका उच्च स्तर लैंग्वेज प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में रूपांतरित करते हैं जो कंप्यूटर पर चलित हो सके हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका एडिटर, एडिट करना, डिबगर होता है जो एरर्स आते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिबगर। तो आंसर इज कंपाइलर, की ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए, मशीन लैंग्वेज, और वो क्या होती है आपका ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, और ऑब्जेक्ट कोड को चेंज, ऑब्जेक्ट इज द मशीन लैंग्वेज, तो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर पे चलेंगी वो मशीन लैंग्वेज जो कि आपकी बाइनरी डिजिट्स को समझता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपाइलर। द कंपाइल्ड एंड द लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड एज, कंपाइल्ड और लिंक्ड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सोर्स कोड, दिस इज द आपका जो ह्यूमन पढ़ता है, ठीक है। सूडो कोड्स जो होते हैं इनको फॉल्स कोड्स भी बोलते हैं, ये टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करते हैं। एग्जीक्यूटेबल कोड, तो कंपाइल्ड एंड लिंक प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेबल कोड्स। किसी को भी किसी क्वेश्चन में एरर या किसी को ऐसा लगता है कि मैम आपने ये चीज करा, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ लूंगी। अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइन सेपरेटली कंबाइंड मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ, अगर एक सिस्टम प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम के अलग अलग संकलित मॉड्यूल्स को एक रूप में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, असेंबलर। असेंबलर तो मिड लेवल से लो लेवल तक जोड़ता है। क्रॉस कंपाइलर्स जो कि मल्टीपल्स चीजों को कंपेयर करता है। लॉड एंड लॉग नहीं, आंसर इज लिंक लॉडर। लिंकिंग लॉडर जो है ये आपका कंबाइन करता है सेपरेट कंबाइंड आपके मॉड्यूल्स को, ठीक है। द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज आपके क्या है हार्डवेयर के फंक्शनिंग को वो करता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कौन कौन से हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है,
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, नहीं। कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, नहीं। यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, नहीं। आंसर इज कमांड रिसोर्सेज, क्या है आपके कमांड करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या देते हैं, कमांड्स देते हैं, तभी तो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग होती है। विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज पास्ड इन द फंक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। पहले तो यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक कितनों का क्लियर है और बोर नहीं हो रहे। देखिए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी बताना, और आज के क्वेश्चंस जो हैं और कल के, कल हमने थोड़ा सा हाई लेवल किया था, आज हम थोड़ा सा नॉर्मल या जिसको बोल सकते हैं प्रॉपर करेंगे। फिर कल जो है आपका फिर से महा मैराथन है, जिसमें हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस को और टफ लेवल से लाने की कोशिश करेंगे। विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज पास्ड इन अ फंक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। कौन सा ऐसा पैरामीटर है कि अगर हमने कोई फास्टर एग्जीक्यूशन करनी है कंप्यूटर में तो उसके लिए क्या चाहिए। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय नेम, कॉल बाय स्ट्रिंग या कॉल बाय एड्रेस। कोई भी तेजी से निष्पादन के लिए किस प्रकार के पैरामीटर को पारित किया जाता है, कॉल बाय वैल्यू, नेम, स्ट्रिंग या एड्रेस। तो अगर हमें कोई भी पैरामीटर को फास्ट करना है या उसका निष्पादन फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू से, वैल्यू इंटीजर्स वेरिएबल्स जो भी होते हैं इनको हमें फास्ट अप करना होता है। अ प्रोग्राम दैट प्रिडिक्ट्स एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इवेंट्स विल टेक प्लेस इज सेट टू बी। देखिए ऐसा प्रोग्राम जो सीक्वेंस बताता है, ठीक है, एग्जैक्ट सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्राम जो भविष्यवाणी करता है कि कौन सी घटनाएं होने वाली हैं स्टीक अनुक्रम में, वो कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड, प्रोसीजरल या फिर कंबाइंड। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं जावा, स्मॉल टॉक, ये सारी जो हैं ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें प्रॉपर एंटिटी क्या होती है, स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटरप्रेटेड जो इंटरप्रेट करेगी, ठीक है, ये नहीं। प्रोसीजर जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज प्रोसीजर, आंसर इज कंपाइल्ड, क्या करेंगी आपकी कंपाइल्ड, की जो ऐसा प्रोग्राम जो हर सीक्वेंस कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी एग्जैक्ट सीक्वेंस बताने के लिए हमें कौन सा प्रोग्राम चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंपाइल्ड प्रोग्राम। Which of the following is not the concept of object-oriented program? Object-oriented program जो होता है उसमें हमारे कई features होते हैं, ठीक है। तो जो object-oriented program होता है उसमें कई ऐसी चीज़ें, जैसे object चाहिए होता है, class चाहिए होती है, तो ये जो object-oriented program है उसमें कौन सा feature नहीं है। Data abstraction होती है hiding of the data, मतलब डेटा को हाइड करना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना। पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक क्लास से या एक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को निकालना या क्लास से मल्टीपल सब्जेक्ट्स को निकालना। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक आइडेंटिटी या उससे मल्टीपल आइडेंटिटीज निकालना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एनकैप्सुलेशन क्या होती है, देखिए जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, एनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग अप ऑफ द इंफॉर्मेशन, रैप करना, जिसमें मेजर कॉम्पोनेंट इज क्लास। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी, उसके बाद जो उसकी कोटिंग है दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, सो दैट द प्रोजेक्ट्स जो भी सब्सटेंसेज हैं या जो भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं या ऑब्जेक्ट वो सेफ रहें। तो आपका इनकैप्सुलेशन भी एक एडवांटेज है, ये भी है, ये भी है। आपसे ये पूछा जाता है, देखिए इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है ऑल ओवर द इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट, और जो आपका इनकैप्सुलेशन है वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को हाइड करेगा, जस्ट ये है। इंफॉर्मेशन को जो हाइड करता है दैट इज इनकैप्सुलेशन। डेटा को हाइड करना, पूरा एब्स्ट्रैक्ट हाइड कर देना इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज की। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि सारी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। विच लैंग्वेज इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं, क्यों नहीं। जावा, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेम्स कॉस्लिन ने किया था, इसके लिए हमें क्या चाहिए, जावा बाइट कोड,
इसके लिए हमें क्या चाहिए, जावा बाइट कोड। तो ये स्मॉल टॉक, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी प्लस प्लस, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आंसर इज सी। जो सी है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, दिस इज़ द प्रोसीजरल लैंग्वेज, और ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, डेनिस रिची ने की थी। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JVM इज द वर्चुअल मशीन दैट एग्जीक्यूट, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एक आपका क्या है, वर्चुअल मशीन जो आपका एग्जीक्यूट करता है क्या, RDBMS। तो ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि रिलेशंस बताता है, और रिलेशंस क्या हैं आपके, टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं, कॉलम्स, और कॉलम्स और ये सब क्या हैं आपके, फील्ड्स। तो ये नहीं है। नेट प्रोग्रामिंग नहीं। सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो है आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज है, इसमें हम स्कैनफ यूज़ करते हैं, प्रिंटएफ यूज़ करते हैं, हैशटैग यूज़ करते हैं, ये कार्टेशियन ब्रैकेट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, 32 इसके कीवर्ड्स होते हैं। तो आंसर इज जावा बाइट कोड। इसका आंसर क्या होगा, जावा बाइट कोड। तो JVM जो है, एक बार एक बाइट कोड इनिशिएट हो गया तो वो वर्चुअल मशीन्स में काम करेगा, मतलब आर्टिफिशियल कोड इसके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी अभी हम MCQs कर रहे हैं, फिर जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हो, इन सब की डिटेल्ड वर्शंस जो हैं आपको 939 पोस्ट कोड के लिए मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, वो बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए कि आने वाले में डिटेल सेशंस प्रॉपरली चलेंगे, एंड मे बी दैट शुड बी लाइव क्लासेस। तो ये जो है आपके 939 पोस्ट, जो पोस्ट है इसमें जितना भी डिटेल वर्जन है वो JOA का चलेगा। तो आने वाले टाइम पे JOA का डिटेल वर्जन आपके सामने विद प्रॉपर डेटास, प्रॉपर इंफॉर्मेशंस आपके साथ डील होगा, एंड देन उसके बाद फिर हम इसके पेपर्स करेंगे। विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, IBM सिस्टम, ये तो माइक्रोसॉफ्ट में आ गया, वैक्स नहीं है, PDP-2 नहीं है, आंसर इज पर्सनल डिजिटल प्रोफेशनल परसिस्टेंट। ये जो है आपका क्या है, फर्स्ट आपका मिनी कंप्यूटर है। मिनी और माइक्रो में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग भी स्लो होती है। टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और अ सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज, अगर हमें मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तक अभिगम के लिए प्रयोक्ता प्राय प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, मतलब कि अगर हमें सुपर कंप्यूटर यूज़ करना है तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CDC 660 या क्रे सुपर कंप्यूटर्स, इंडिया का कौन सा था, परम। तो ये याद रखना, और फ्यूगैको जो जापान ने लॉन्च किया, इट्स द फास्टेस्ट। तो अगर हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करना है तो हमें क्या चाहिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप नहीं, नोड जो हर चीज़ को कनेक्ट करती है, हैंडहेल्ड नहीं, आंसर क्या चाहिए हमें, एक टर्मिनल चाहिए, क्या चाहिए, टर्मिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। देखिए, एक कंप्यूटर जो होता है डिलीजेंस भी होती है। डिलीजेंस क्या होती है कि विदाउट एनी शिकायत, ठीक है, एक कंप्यूटर घंटों क्या काफ़ी देर तक काम करता रहता है, उसकी कोई शिकायत, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डिलीजेंस। वर्सेटैलिटी, देन उसके बाद स्पीड भी इसकी अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, और ऑटोमेटिक होता है। तो ये भी ठीक है, ये दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक, बट कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता, इट्स अ मशीन। तो कंप्यूटर जो है दैट इज नॉट इंटेलिजेंट। A device used to bring data into the computer is called as, एक device जो computer को लेकर आता है। तो arithmetic logic unit, ठीक है, arithmetic logic unit जो है ये logical and multiplications जो भी है, logic calculations करता है, CPU का part है, control unit ये भी CPU का part है, output device, तो output device जो है ये आपका क्या है, जो आपका monitor है, प्रिंटर्स है। तो आंसर इज जो डेटा को, देखो एक कंप्यूटर तीन स्टेप्स पे है, आपकी इनपुट आपने डाला, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, और जो आपको दिख रहा है दैट इज योर आउटपुट। तो ये इसके कंप्यूटर के काम करने के ये बेसिक स्टेप्स है।
द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड एज अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, नहीं जो लॉजिक्स करता है, मेमोरी कंप्यूटर की होती है, कंट्रोल यूनिट और ALU इज द पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो आंसर इज CPU, और CPU को हम किस में मेजर कर रहे हैं, गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और सबसे छोटी है हर्ट्ज और इसको बोलते हैं हम क्लॉक पर सेकेंड, क्लॉक साइकिल, जितनी ज़्यादा क्लॉक साइकिल अच्छी है, जितना अच्छा स्पीड है, उतनी ही जल्दी वो एक्सेस करेगा। When was first 8-bit microprocessor introduced? First microbit आपका एक 4 था, Intel 404, ये 1971 के आसपास आया था। फोर्थ microprocessors आए कब थे, फोर्थ जनरेशन में, जो कि आपका पीको सेकेंड्स है, ठीक है। तो अब जो ये फर्स्ट 8-bit microprocessor है, ये आपका 8-bit कौन सा होगा, सबसे बेस्ट कौन सा है, Intel 8085 ये है, ठीक है। तो ये जो Intel 8085 जो है, ये कौन सा है, ये कब आया था, ये आया था 1976 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई है, तो आंसर इज 1974। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू, जो भी आपकी वायरलेस चीज़ें हों, चाहे आपका रिमोट कंट्रोल है, चाहे आपके वायरलेस कोई भी अपर्चर या आपके एप्लीकेशंस हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सैटेलाइट नहीं है, माइक्रोवेव्स नहीं है, रेडियो वेव्स नहीं है, आंसर इज इंफ्रा रेड्स, आंसर क्या आएगा आपका, इंफ्रा, कोई भी वायरलेस, चाहे आपका माउस है, कीपैड है, कीबोर्ड भी आजकल वायरलेस आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंफ्रा रेड रेज के थ्रू ये कनेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ तक बताइए किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को रिकमेंड कीजिए, देखते हैं आप कितनी जल्दी आप लाइक करते हैं एंड शेयर करते हैं और कितने कैंडिडेट्स को ऐड करवाते हैं, देखते हैं। चलिए, द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू एंड फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड, सबसे पहली चीज़ है आप बोर नहीं हो रहे होंगे, और सबसे पहला एक और चीज़ है कि आपको सेशंस जो है, कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ऐसा ना लगे कि आपको जो है मैम आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, ठीक है। द रजिस्टर्स विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा वर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज रजिस्टर, जिसमें लोकेशन का एड्रेस होता है और उसमें और उससे डाटा अंतरण को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स, मेमोरी डेटा रजिस्टर्स या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। देखिए क्या कह रहा है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स कहाँ पे काम आते हैं, प्रोसेसिंग में काम आते हैं। तो ये जो रजिस्टर्स हैं, जो एड्रेस टू द लोकेशन बताएंगे और जहाँ से डेटा हम ट्रांसफर्म करते हैं, तो वो क्या है, इंडेक्स रजिस्टर्स नहीं, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स नहीं, आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स या मेमोरी डेटा रजिस्टर्स। देखिए इंस्ट्रक्शंस नहीं है, मेमोरी नहीं है, अगर हमें रजिस्टर्स एक डेटा से दूसरी जगह अगर हमें पहुंचाना है तो हमें उसको याद दिलाकर उसके एड्रेस के तक पहुंचाना है, तो आंसर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस कौन सी है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो सर्किट, नन ऑफ दीज या फिर आपका माइक्रोकोड, निम्न में से कौन सी सूक्ष्म सूचनाओं की श्रेणी है। देखिए माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, अगर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगी तो माइक्रो प्रोग्राम होगा, माइक्रो प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो कोड, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कोड। तो यहाँ पे जो आएगा, देखिए माइक्रो सर्किट नहीं आएगा, सीक्वेंस, यहाँ पे पूछे कौन सी सूक्ष्म सूचनाओं की श्रेणी है, तो अगर पहले आएगा माइक्रो कोड, माइक्रो कोड के बाद आएगी आपको माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, तो आंसर इज माइक्रो कोड। OCR स्टैंड्स फॉर ऑटोसाइज्ड ऑटोसाइज कैरेक्टर रीडर, ऑपरेशन कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ओनली कैरेक्टर रीडर। तो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर
ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आउटसाइज्ड कैरेक्टर रीडर या ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर या फिर ओनली कैरेक्टर रीडर। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो OCR होते हैं दे आर द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूज्ड इन कंजंक्शन विद द कंप्यूटर्स यूजिंग ड्राई इंक पाउडर। सबसे पहली चीज, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है, जो आपके प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको हम बोलते क्या हैं, डेजी व्हील, आपका लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो इंक रिबन्स के साथ टच, जैसे ये इंक रिबन है इसके साथ जो टच करता है दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो आपके किसके साथ टच नहीं करते, जो रिबन के साथ टच नहीं करते। तो जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो आपका डेजी व्हील भी होता है, लाइन प्रिंटर भी होता है और डॉट मैट्रिक्स भी होता है। ऑल दीज आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्योंकि इसमें हम इंक रिबन के साथ टच करते हैं। जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो आपका किसके साथ टच नहीं करते हैं, वो आपके इंक रिबन के साथ। तो लेज़र प्रिंटर इज़ द ड्राई इंक पाउडर, कि जो आपका कंप्यूटर यूजेस ड्राई इंक पाउडर दैट इज़ कॉल्ड लेज़र प्रिंटर। ये आपका इंक पाउडर यूज़ करता है, ये भी यूज़ करता है, जो ड्राई नहीं करेगा वो आपका क्या है, आपका लेज़र प्रिंटर। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ पोर्ट, इसमें से कौन सा आपका पोर्ट है। सीरियल पोर्ट्स तो है ही है, पैरलर पोर्ट्स भी हैं, AGP भी है, ऑटोमेटेड ग्राफिक पोर्ट, तो ये भी है। आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज फॉर इमेज एडिटिंग। इमेज एडिट करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फोटोशॉप, अडोब रीडर, MS PowerPoint या मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स इज द ब्राउजर। आपका PowerPoint जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका अडोब रीडर नहीं, फोटोशॉप। आंसर इज इमेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका फोटोशॉप, और अगर HTML में हम क्या यूज़ करते हैं इसको, इमेज। ऐसे विच मेल्स आर अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस यूजली एडवर्टाइजमेंट सेंड टू लार्ज नंबर ऑफ रेसिपियंट्स। अनसॉलिसिटेड ईमेल से आपने देखा होगा जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स जिसको आप क्या बोलते हो, वॉर्म। वॉर्म तो एक मैलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है, यानी मालवेयर है, जो एक बार इस साइबर थ्रेट जो एक बार कंप्यूटर में आ गया तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्लॉग दैट इज़ द मैसेज, ब्लॉग क्या होते हैं जिसमें हम किसी की इंफॉर्मेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है। आपका ट्रोजन, ये भी आपका मैलिशियस प्रोग्राम है। आंसर इज स्पैम, आंसर इज स्पैम। तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड रॉय टिमिल्सन। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, देखिए इंटरनेट की आपसे पूछ सकते हैं कि इन्वेंटर कौन थे, WW की फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, WW के फादर कौन थे, टिम बर्नर्स ली, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स। तो ये द्वारा आया क्वेश्चन ये किसी और पेपर से लिया है, तो आंसर इज ई गवर्नेंस। विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस enables to drive new classes by extended the existing classes. Object oriented programming languages का वो गुण जो प्रवर्तमान classes का प्रसार करके नए class प्राप्त करने को समर्थ करता है, polymorphism, inheritance, abstraction या encapsulation। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी object oriented language है उसका वो गुण बताइए जो प्रवर्तमान क्लासेस का प्रसार करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो नई क्लासेस हैं उनको एग्जिस्टिंग क्लासेस से निकालना, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपका इनेबल्स करता है न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडेड द आपकी एग्जिस्टिंग क्लासेस। इनकैप्सुलेशन तो होगा नहीं, रैपिंग होता है,
डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो हाइडिंग है। तो अगर हमने कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें नई क्लासेस को एक्सटेंडेड क्लासेस से एग्जिस्ट करना है, ऑलरेडी है और उसमें से एग्जिस्ट करना है, तो आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से आगे, इनहेरिट कर रहे हैं हम। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि नई क्लासेस को एग्जिस्टिंग क्लासेस से, वैसे तो ये जनरेशन आएंगी पर मल्टीपल क्लासेस ले रहे हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आपका विच इज द स्पेशल प्रोजेक्ट मैथड ऑफ द क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वेन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इसमें से क्या है, एक क्लास का वो विशिष्ट मेथड कौन सी है जो अपने आप कार्यान्वित होती है और जब क्लास का नया प्रोजेक्ट बनता है, यानी आपका ऐसा स्पेशल मेथड बताइए जहाँ से हम ऑटोमेटिकली नए ऑब्जेक्ट को से क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा मेथड जहाँ से हम नया क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज ए सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा नहीं है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स या सेमी कंडक्टर मेमरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, ये सारे आपके मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये मैग्नेटिक ड्रम्स, दीज आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आंसर इज सेमी कंडक्टर मेमरी। ये क्या है आपका, सेमी कंडक्टर मेमरी। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन सीडी रोम, हम कौन सी टेक्नोलॉजी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी में यूज करते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फाइबर ऑप्टिकल। तो हम कौन सा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल। क्या यूज करते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क है तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है हमेशा क्या यूज करती है, ऑप्टिकल डिस्क। ये भी याद रखना है, एक फ्लॉपी में कितनी स्टोरेज होती है, दैट इज 144 MB, ये याद कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कोई स्किप हुआ है या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मैम ये चीज़ गलत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है, या किसी पे भी डाउट होगा तब भी बता देना। विच नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज एज अ शॉर्टकट नोटेशन फॉर ग्रुप ऑफ फोर डिजिट्स। फोर डिजिट्स जो हैं आपकी, कि अगर चार बाइनरी अंकों को समूह के शॉर्टकट नोटेशन के रूप में कौन सी संख्या प्रणाली सामान्यता होती है। देखिए, अगर हमने कोई भी चार बाइनरी डिजिट्स हैं, अगर हम चार बाइनरी डिजिट्स को ग्रुप करें तो क्या बनेगा, ऑक्टल डाई, चार बाइनरी अंकों के समूह के शॉर्टकट नोटेशन के रूप में कौन सी संख्या प्रणाली सामान्यता होती है। ठीक है, तो अगर देखिए विच नंबर, हेक्साडेसिमल तो नहीं हो सकती क्योंकि हेक्साडेसिमल होती है 16 डिजिट्स की, जो कि 0 से 9 और फिर 9 to 16। ठीक है, A to F। सेकेंड ऑक्टल, ये आपकी 8 डिजिट्स की होती है। डेसिमल, ये आपकी 10 डिजिट्स की होती है। विच नंबर इज कॉमनली यूज एज अ शॉर्टकट फॉर बाइनरी डिजिट्स, दैट इज बाइनरी। आंसर क्या आएगा आपका, फोर बाइनरी डिजिट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाइनरी डिजिट्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड, फ्लोटिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स को हम डेसिमल्स भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी बोलते हैं और इंटीजर वैल्यूज भी बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। बी सी डी क्या होता है, इज द बाइनरी कोड डिजिट्स। तो बाइनरी कोड डिजिट्स क्या होती हैं, एक बाइनरी कोड तो होता है भाई, बाइनरी कोड में हम अल्फा न्यूमेरिक कोड भी होता है, ये भी ठीक है, और नॉन वेटेड भी होता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये क्या आएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलें कि थक गए हो, नेक्स्ट चलें कि यहाँ तक काफ़ी है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये थोड़ी सी फेक स्लाइड है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को आप सुन लीजिए। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ, अरे जो है दैट इज द सिंगल यूनिट्स, और इसमें जो है हम क्या यूज़ करते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिमिलर टाइप, डिफरेंट टाइप्स नहीं आएंगे, इनबिल्ट फंक्शंस नहीं आएंगे, सेम टाइप ऑफ फंक्शंस, मतलब सेम डिजिट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। व्हेन वी प्रेस एन अरे टू अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज ए, ये थोड़ी सी फेक स्लाइड है, आप क्वेश्चन को सुन लीजिए। जब हम किसी अरे में
या कोई फंक्शन पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास बाय रेफरेंस नहीं। अरेज जो है ये सी लैंग्वेज में यूज हो रही हैं, तो ये पास बाय एड्रेस होगा। अरेज कैन नॉट बी पास टू अ फंक्शन, ये भी नहीं हो सकता। पास बाय कॉन्स्टेंट नहीं, आंसर इज पास बाय वैल्यू। कि जब भी हमें अरे को व्हेन वी प्रेस अरे टू अ फंक्शन, जब हम अरे को प्रेस करते हैं टू अ फंक्शन, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। और दीज आर द वेरिएबल्स, इनको हम वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। द हार्डवेयर विच ब्लॉक्स द ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज, ऐसा हार्डवेयर डिवाइस बताइए जो सिक्योरिटी के बेसिस पे हर इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, चेक करता है, फिर आगे पास करता है। फायर टेबल नहीं, फायर विंडो नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, आंसर इज फायर वॉल। आंसर क्या आएगा आपका, फायर वॉल। बायोस क्या है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सेंस या बैड इनपुट आउटपुट सेंस, तो बेसिक बायोस इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और देखिए जो अभी मैराथन्स चल रहे हैं उनके कोई भी सेशन मिस मत करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टफ़ होता है पढ़ने के लिए, पर इन क्वेश्चंस को एक तरह से रिवाइज करते जरूर चलिए। ठीक है, विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंटरी डेटा स्पेसिफाइड इन बार कोड्स, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमारे इन्वेंट, जो भी हमारा डेटा होता है उसको बार कोड्स में इन्वेंट करते हैं। जॉयस्टिक्स, जॉयस्टिक्स जो होती हैं ये आपका गेम्स के लिए होती हैं और 360 डिग्री एंगल के लिए होती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। माउस ये आपका मैकेनिकल है, डुगलस एंगर्ट ने किया है, एंगर्ट। ठीक है, तो ये आपका माउस ऑप्टिकल, ठीक है, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। लाइट पेन, दिस इज इनपुट डिवाइसेस, ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस, आंसर इज होलोग्राफ। होलोग्राफ, द मोनीटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड इट टू बाय, अगर हमें कंप्यूटर का मोनीटर, मोनीटर इज द आउटपुट डिवाइस, कनेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, वायर, बस, लाइन ड्राइवर या केबल। तो हमें क्या चाहिए होती है, केबल। जैसे आपको पता है VGA केबल होती है किसी भी उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, फिर HDMI केबल्स, ये हमें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, विच वन इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर, अभी मैंने बताया कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो इंक के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंक रिबन के साथ। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, नन ऑफ दीज या लेजर प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, दीज आर द इम्पैक्ट प्रिंटर्स, आंसर इज लेजर प्रिंटर। टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर अ स्टोरेज, अगर हमें डेटा आइटम को स्टोरेज के लिए लोकेट करना है, मतलब स्टोरेज के लिए किसी डेटा को अगर हम रखते हैं तो उससे क्या होगा, फील्ड, फीड, डेटा बेस। देखिए फील्ड्स तो आगे आपकी कॉलम्स और फील्ड की कलेक्शन के आगे रिकॉर्ड्स, डेटा बेस जो आपका डेटा है, फीड नहीं। अगर हमें डेटा को स्टोरेज पे रखना है तो हम क्या करते हैं, उसको फेच करते हैं, फेचिंग बोलते हैं इसको। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। इन MS एक्सेस फील्ड वैल्यू में कंटेंस, जो MS एक्सेस होता है जो बेसिकली आपकी डेटा शीट्स पे ही डिपेंड करता है, तो वो क्या है, टेक्स्ट, पिक्चर, डेटा एंड टाइम या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है आएगा, टेक्स्ट भी आएगा, पिक्चर भी आएगा, डेटा भी आएगा और ऑल ऑफ दीज, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। और इसका ADB इज द प्रोजेक्ट, ठीक है, ACCDB इज द फाइल एक्सटेंशन। इन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमने नेटवर्क कम्युनिकेशन में नेटवर्क्स को कैटेगराइज करना है, कोई भी आपका जैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग में अगर हमने नेटवर्क को कैटेगराइज करना होता तो हम उसके साइज, उसकी बैंडविड्थ भी देखते हैं, उसका कॉस्ट भी देखते हैं कि कितने का इस प्लान में कितने का पड़ेगा, कितनी स्पीड मिलेगी, तो ये सब देखते हैं, साइज भी देखते हैं, डिस्टेंस भी देखते हैं, कॉस्ट भी देखते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड एज, लैन, दिस इज द लोकल एरिया नेटवर्क, मीडिया नहीं,
प्रोटोकॉल्स, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स. आंसर इज टोपोलॉजीज. तो कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं? मैश, बस, रिंग, स्टार. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब मैश जो मल्टीपल इंटरकनेक्शंस होते हैं, मैश इज द, फिर आपका स्टार जिसका सेंट्रल डिवाइस होता है हब, देन उसके बाद रिंग, ठीक है, फिर रिंग के बाद बस जो मेन केबल से होती है. तो इन ये सारी टोपोलॉजीज हैं और टोपोलॉजीज से भी क्वेश्चंस आते हैं. इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द रूटिंग इज परफॉर्म्ड बाय. ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग कौन देता है? ओएसआई की लेयर्स कितनी हैं? 7 लेयर्स. छोटी नीचे वाली लेयर है फिजिकल लेयर. तो जो आपकी रूटिंग है, रूटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? नेटवर्क. सेशन 5th लेयर है, ये आपकी 3rd लेयर है. ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी 5th लेयर है. डेटा लिंक आपकी 2nd लेयर है, जो एरर्स बताती है, लॉजिक्स बताती है. और इसमें जो है आपके क्या यूज्ड होते हैं? इसमें हमारे ब्रिजेस और फ्रेम यूज़ होते हैं. रिपीटर्स किस में यूज़ होते हैं? फिजिकल्स में. पैकेट्स किस में यूज होते हैं? नेटवर्क्स में. और ट्रांसपोर्ट जो कि मेन लेयर है, 4th लेयर, इसमें आपका क्या यूज होता है? सेगमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स. कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सर्वर्स द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता? देखिए, ईमेल प्रोसेसिंग भी आपकी सर्वर से होती है, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स भी होती हैं, डेटाबेस शेयरिंग भी होती है. आंसर इज वर्ड प्रोसेसिंग. क्या आएगा आपका? वर्ड प्रोसेसिंग. ये जो है हम सर्वर से नहीं करते, ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्ट्रेन इज द प्रोग्राम लैंग्वेज डेवलप्ड बाय. फोर्ट्रेन लैंग्वेज जो है वो कौन है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर, जो आपकी क्या करती है? साइंटिफिक कैलकुलेशंस. तो ये जो है ये किसने किया था? जॉन बेकर्स ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस. इसमें से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन कौन सी है? सी प्लस, जावा, विजुअल बेसिक या बोथ PNC. देखिए, इंटरप्रेटेड वैसे सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर जावा एंड विजुअल बेसिक आर द इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर चेक्स द सिंटेटिक एरर्स इन द सिंटेक्स एरर्स. कौन चेक करता है? टेक्स्ट एडिटर नहीं करता, इंटरप्रेटर नहीं करता, बेसिकली इट्स डील्स विद द कंपाइलर, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग, और कंपाइलर ही आपके सिंटेक्स एरर्स को करेक्ट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द फाइल इन टू द मेमरी. कौन सी ऐसा जिसको बोल सकते हैं लॉडर है जो आपकी फाइल को मेमोरी में लोड करता है? तो आपको पता है जो आपका रीलोकेट है ये भी नहीं होगा, रिलेटिंग नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है. आंसर इज आपका बूटस्ट्रैप. क्या है आपका? बूटस्ट्रैप. आपको अगर हमें जो भी चीज़ मेमोरी में डालनी है, लोड करनी है, तो मेमोरी के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है. तो बूटस्ट्रैप लॉडर जो है हम यूज़ करते हैं. क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज. एक होता है ओपन सॉफ्टवेयर, एक होता है क्लोज्ड. ओपन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सबके लिए ईजिली अवेलेबल है, कोई भी ले सकता है. क्लोज सॉफ्टवेयर जो होता है वो पर्टिकुलरली आपका जिसको बोल सकते हैं मनी बेस्ड होता है और स्पेशल पेटेंट होता है. तो आंसर इज प्रोप्रिटरी. मतलब जिसने क्लोज सोर्स, मतलब वही बंदा ले सकता है जिसको जिसने उसको ऑन किया है. ठीक है, कमर्शियल नहीं होता ये. ठीक है, तो कमर्शियल भी होता है क्योंकि इसको बेचा जा सकता है. तो आंसर इज आपका बोथ A and B. ये क्या आएगा आपका? बोथ A and B. ठीक है, कमर्शियल, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो आप बेच रहे हो, तो कमर्शियल भी है और प्रॉपर्टी भी है. वॉट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. कि आप उस माइक्रो कंप्यूटर के परिचालन को क्या कहोगे जब आप शुरू करते हो? सीधी सी चीज़ है, व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज वार्म बूट, कोल्ड बूट. कोल्ड बूट होता है स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग में रिफ्रेशिंग हो रही है. वार्म बूट जब रीस्टार्ट है तब कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है. तो आंसर इज बूटिंग. स्टार्टिंग में जब शुरू होता है दैट इज कॉल्ड बूटिंग. द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज. थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इट्स बीन कुछ ही घंटे फिर अपलोड करना है मुझे.
द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज द प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज, कि ऐसा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहलाता है जो प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है. तो आंसर इज ट्रैफिक कंट्रोलर. क्या आएगा आपका? ट्रैफिक, जो आपके ऑपरेटिंग, देखिए जो भी आपकी प्रोसेसर की मैनेजमेंट करता है वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब कि प्रेशर, जैसे बोलते हैं ना एकदम से, कहते हैं कई बार लोड पड़ जाता है फाइल्स का, तो डेटा का अगर लोडिंग हो रही है तो उसको ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक आप एक टाइम पे खींच रहे हो क्योंकि नेटवर्किंग भी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम, देखिए दो तरह के होते हैं, रियल टाइम भी होता है, बैच टाइम भी होता है. तो जो रियल टाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हार्ड रियल टाइम भी होता है, यस, सॉफ्ट रियल टाइम भी होता है, ये भी सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता. ये जो है, अगर आपको जैसे आने वाले टाइम पे जब जियो का 939 का सेशंस चलेंगे, उसमें आपको जो डेटा, जो डिटेल्स करवाए जाएंगे, उन डिटेल्स में इन सारों के जो भी टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल्ड वर्शंस एज वेल एज उनका जो है अपडेटेड वर्शंस के साथ आपको डिटेल करवाए जाएंगे. तो ये चीज़ याद रखिए, अभी हम प्रैक्टिस, क्योंकि आने वाला है आपका पेपर, और उसको शेयर भी जरूर करना जो पहले देकर आए, जैसे ही बाहर निकले प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए मेल आईडी पे, और फिर उसके बाद हम डिटेल वर्जन में एक एक चीज़, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे. तो उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर जुड़ेंगे और रिकमेंड भी करेंगे. विच टाइप ऑफ कमांड्स इन एमएस डॉस नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन? देखिए एमएस डॉस के जो होती है ये कमांड लाइन पर डिपेंड करती है. इसमें आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड्स होती हैं. एक्सटर्नल जिसमें एडिशनल फाइल्स चाहिए, इंटरनल जो अंदर ही होती हैं, इनबिल्ट होती है. तो जिसमें आपकी एडिशनल फाइल्स चाहिए वो कौन सी हैं? आपकी एक्सटर्नल कमांड्स. इंटरनल कमांड्स नहीं है, बैच कमांड्स नहीं है. बैच के लिए हम बैट यूज़ करते हैं, एक्सटेंशंस. तो देखिए इसके लिए हम command.com यूज़ करेंगे, इसके लिए नहीं यूज़ करते. जैसे आपका चेक डिस्क है, फॉर्मेट है, क्लियर्स है, ये सारी आपकी एक्सटर्नल कमांड्स है. यहाँ तक कोई बोर हुआ या थक गया है तो बताइए, जल्द से जल्द बताइए. और चलिए अब हम सेशंस को आगे बढ़ाते हैं. और प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर. एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? एक्सपर्ट सिस्टम फर्स्ट जनरेशन नहीं, ये वैक्यूम ट्यूब्स पे था और उसकी स्पीड है आपकी मिली सेकेंड्स. सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स पे था. थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड चिप्स पे था, नैनो आपका नैनो सेकेंड सिलिका, ये आपके ट्रांजिस्टर्स दैट इज माइक्रो. आंसर इज फिफ्थ जनरेशन, जो आज की जनरेशन है वो एक्सपर्ट सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रो फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय, जो डेटा को फ्लो हो रहा है यानी जो डेटा पास हो रहा है और उसके कितने टाइम पे वो डेटा पास हो रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पावर पिंस नहीं, डेटा पिंस नहीं, एड्रेस पिंस नहीं. आंसर इज कंट्रोल पिंस. क्या आएगा आपका? कंट्रोल पिंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? आज सिंपल पेपर भी है और आपका देखते हैं कितना आपको लर्न है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या आपका स्पीकर? तो अगर देखें इसमें इनपुट डिवाइस स्पीकर, प्रिंटर एंड मोनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस जो आपके ग्राफिक्स को स्कैन करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूसेस बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन? इसमें से सबसे अच्छे ग्राफिक्स कौन करता है? डॉट मैट्रिक्स जो इम्पैक्ट है, प्लॉटर नहीं, इंक जेट नहीं. आंसर इज लेजर. ये दोनों जो हैं ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं जो इंक रिबन्स के साथ टच नहीं होते. ये आपका इंक रिबन के साथ टच होता है तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट. और कई बार पेपर्स में पूछे गए हैं ये. विच पोर्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट द फाइल्स? ऐसा कौन सा पोर्ट है जिससे हम दो कंप्यूटर फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिट करने के लिए? सीरियल, ये तो सिंगल के लिए. पैरेलल, मल्टीपल के लिए नहीं. आंसर इज फायर वायर पोर्ट. आंसर क्या आएगा आपका? फायर वायर पोर्ट. ताकि जो फायर वायर क्यों लगाया हमने? क्योंकि जो भी हम दो फाइल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं दो कंप्यूटर्स में, तो वो चेक करेगा कि जो भी इनपुट आ रही है वो सही आ रही है या गलत आ रही है. इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स?
मल्टी प्रोग्रामिंग कब शुरू हुई थी, जब माइक्रो प्रोसेसर आया था? तो आंसर इज फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था, तभी आपकी जो है मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई थी। थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, सेकेंड नहीं। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या है। देखिए, आपसे पूछ सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स कब यूज़ हुई थी, ट्रांजिस्टर्स कब यूज़ हुए थे, इंटीग्रेटेड चिप्स कब यूज़ हुई थी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंप्यूटर्स, में से सबसे छोटा कौन सा है? वर्क स्टेशन सबसे बड़ा है, डेस्कटॉप नहीं, लैपटॉप नहीं, आंसर इज नॉट बुक, दीज आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। जनरली विच बटन ऑफ माउस इज यूज फॉर ओके बटन? हमारा माउस जो कि एक ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल है इनपुट डिवाइस है, जो हमें हमेशा क्या, जिससे हम सारे काम करते हैं, तो लेफ्ट राइट मिडल या व्हील, व्हील से तो हम ड्रैग करते हैं, मिडल नहीं, दो ही बटन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट। राइट से हम इंफॉर्मेशन खोलते हैं, तो जो भी माउस का बटन है, जब भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, मैक्सिमम बटन कौन सा है आपका? लेफ्ट। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम्स? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करता है? इनपुट डिवाइस जिससे हम डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, आउटपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर हमें डेटा डिलीवर करता है, मेमोरी कंप्यूटर की है, आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एक फोर्थ जनरेशन का है। यहां तक बताइए, नेक्स्ट चले। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस? कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होती है? फोर्ट्रेन, दैट इज जॉन बेकर्स फॉर्मूला ट्रांसलेटर, बेसिक बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज, थॉमस केमे एंड कर्ट्स ने की थी, पास्कल टीचिंग पर्पस के लिए यूज होती है, एल्गोल प्रोग्रामिंग है इसके अंदर, निकोलस वर्थ ने दी थी, सबसे पहले आपकी पास्कल आई थी, ठीक है, आंसर इज कोबोल, आंसर सॉरी पास्कल नहीं आई थी, टीचिंग के लिए था, फोर्ट्रेन था सबसे पहला, 1957 में आया था ये, कोबोल, ग्रेस हॉपर ने किया है कॉमन बिजनेस। तो आपका कमर्शियल के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। तो ये जो है आपकी ग्रेस हॉपर ने दी थी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड एज बिट्स, बाइट्स नहीं, मेगाबाइट्स नहीं, एक किलोबाइट कितने मेगाबाइट्स के खिलाफ वो होती है? 1024। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज एल्गोरिदम नहीं, डीबग्ड प्रोग्राम नहीं, जिसमें एरर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम डीबग करते हैं, आंसर इज आपका मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करता है? आपकी मशीन लैंग्वेज में। इन एमएस डॉस द कमांड दैट इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन, क्लियर करना स्क्रीन को कौन सी कमांड यूज करेंगे? क्लियर नहीं, क्लियर स्क्रीन, वाइप नहीं, आंसर इज CLS। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन प्लेस इज कॉल्ड एज, अगर एक कंप्यूटर को एक ही प्लेस में कनेक्ट किया जाए तो डॉन नहीं, वॉन नहीं, वाइड एरिया जियोग्राफिक होता है, तो ये वाइड एरियाज मतलब मल्टीपल पूरा जियोग्राफिक लेता है ये एरिया, तो ये नहीं, एक प्लेस के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी स्लाइड्स हैं और मैक्सिमम एक घंटे से ऊपर हो गया, तो दो घंटे में मेरे को मैक्सिमम कवर करना है क्योंकि नेक्स्ट मेरे पास सिर्फ आप आ रहे हैं आपकी क्लास को अपलोड करने के लिए। The most important and powerful computer in typical network is, most important and powerful computer typical network में क्या होता है? Network station client या network server। तो कोई भी typical network के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? Network server। An alternate name for completely interconnected network topologies is, मतलब अगर देखिए ring token based है, एक डिवाइस अगर कनेक्टेड है तो उसके साथ दूसरे डिवाइस, एक डिवाइस दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, ट्री मेन केबल और इसके नीचे ड्रॉप केबल, स्टार सेंट्रल डिवाइस होता है इसके साथ, हब जो हब आपका वो बनाता है, दैट इज कॉल्ड मैश। अ वर्ड इन द वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट, एंकर नहीं, आपका URL नहीं, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर नहीं, आंसर इज, अगर हमें एक वेब पेज पे कुछ और खोलना है तो हम उसका क्या खोलेंगे? हाइपरलिंक, जो किस पे डिपेंड करता है? HTML
लैंग्वेज पे. व्हेन यू कट और कॉपी द इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन. जब भी आप कट करते हो, कॉपी करते हो, तो आप वो इंफॉर्मेशन को कहाँ डालते हो? इंटरनेट नहीं, मदरबोर्ड नहीं, क्लिप पार्ट नहीं. आंसर इज क्लिप बोर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को हम किस क्लासिफाई करते हैं? तो देखिए, एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और यूटिलिटी जो होते हैं दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स. एप्लीकेशन एमएस ऑफिस. सॉफ्ट सिस्टम, सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को चलाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लो लेवल लैंग्वेजेस. तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज. तो दोनों आती है. मशीन ऑब्जेक्ट समझती है, ऑब्जेक्ट कोड जो कि बाइनरी डिजिट्स पे डिपेंड करता है. ये भी ठीक है. अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. तो ट्रांसलेटर जो होता है ये सिस्टम के अंदर होता है जो आपकी लैंग्वेजेस को प्रॉपरली कन्वर्ट करता है. तो आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन नहीं है, हार्डवेयर कॉम्पोनेंट नहीं है. प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय. अगर प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है जिसको बेचा, जो पर्टिकुलरली है वो ओन्ड बाय सिंगल कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय सिंगल यूजर एंड फ्रीली. शेयरिंग मोड, तो सिंगल कंपनी यूज कर सकती है इसको, जिसका भी होगा पेटेंट जिसको बोल सकते हो. नेक्स्ट, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स. अगर हमें पावर पॉइंट पे मोशन इफेक्ट्स देखने हैं, अगर हमें ग्राफिक्स जानने हैं, देन एनिमेशन. आंसर इज स्लाइड ट्रांजिशन. जब भी हमें मोशंस दिखानी है देन इट इज की एक स्लाइड के बाद दूसरी, तो वो स्लाइड शोज होते हैं, बट वो क्या है आपकी स्लाइड ट्रांजिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर. एक डेटाबेस यूजर कौन कौन सा हो सकता है? देखिए, जो डेटाबेस का एप्लीकेशंस को वर्क करता है वो भी होता है, एंड यूजर भी होता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल. डेटा मॉडल कौन सा नहीं है? देखिए, आपका हियरार्किकल जो पेरेंट्स से नीचे तक चलता है, ट्री लाइक होता है, नेटवर्क जो ग्राफ बनाता है, रिलेशनल जो रिलेशंस टेबल्स बनाता है. आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट मॉडल नहीं होता. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम्पल किसका है? कंप्यूटर का नहीं, सीपीयू का नहीं, डिवाइस का नहीं. ये एक एग्जाम्पल है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. तो आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, सीपीयू का नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used to write web pages? Web pages को लिखने के लिए क्या चाहिए? URL, HTML, HTTP. देखिए, ये तो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. ठीक है, तो ये तभी होगा जब हमें कुछ लिखना है. तो जब तक हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगी, लैंग्वेज के लिखने के लिए हमें टेक्स्ट प्रोटोकॉल चाहिए. तो इसका मतलब सबसे पहले वेब पेजेस को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए. लैंग्वेज फिर उसको टेक्स्ट करेगी, तो दैट इज HTML, URL नहीं. ठीक है. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियली सिक्योरिटी ब्रीजेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नोन एज. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो आपके सिक्योरिटी ब्रीजेस करते हैं वो कौन से हैं? तो आंसर इज सिक्योरिटी पैचेस. A virus that delete antivirus software is called as retrovirus. And encapsulation is also known as data abstraction. नहीं, data management नहीं, इसको हम information hiding भी बोलते हैं, जो थोड़े बहुत information hide कर सके. Meaning of data processing is called, data process को क्या कहा जाता है? Doing calculations, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर या कलेक्शन ऑफ डेटा. तो आंसर इज कलेक्शन ऑफ डेटा. देखिए, प्लीज बोर मत होना, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपका जल्द से जल्द कवर करवा सकूं. लेकिन चैनल को शेयर एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको बोर लग रहा है तब भी नीचे बता दीजिए. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट हर क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाए, ताकि आपका कोई भी नंबर ना कटे. बाकी पेपर डालने वाले में है कि वो क्या डालते हैं, किस लेवल का डालते हैं, पर हम लो से एडवांस पे, आज हमने लो पकड़ा है तो कल हम एडवांस पकड़ेंगे. तो उम्मीद करती हूँ कि आप सेशन पे जुड़े रहेंगे, लाइक करेंगे.
ठीक है, आंसर्स अभी आज आपका टेस्ट भी है और कल जो होगा वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी जो सिंपल क्वेश्चंस है उनको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ बोर हो रहे हो तो बता दीजिए, अगर तो हम यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस प्रोफेशनल डेटा पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज इनपुट आउटपुट प्रोसेस या नन ऑफ दिस। वर्किंग कर रहे हैं ना कंप्यूटर की, तो वर्किंग के लिए हमें इनपुट भी चाहिए, आउटपुट भी चाहिए, प्रोसेस भी चाहिए। तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ कंप्यूटर किस पे बैठता है, आपका इनपुट पे। फिर अगर जब तक इनपुट नहीं डालोगे तो प्रोसेसिंग कहाँ से होगी, इनपुट होगी फिर प्रोसेसिंग होगी फिर आउटपुट। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, आपकी इनपुट पे। कंप्यूटेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होते हैं, रजिस्टर्स प्रोसेसर में होते हैं, रैम इज द मेन मेमोरी, आंसर इज ईएलयू। ईएलयू एंड सीपीयू इज द पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। विच डिवाइस यूज्ड अ हैंडहेल्ड ऑपरेशन सिस्टम, इसमें से हैंडहेल्ड यानी पोर्टेबल, दैट इज कॉल्ड एपीडीए, दैट इज ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको आप माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। अ स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो द माउस इज कॉल्ड एज, माउस के नीचे जो हम प्लेट रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, माउस पैड। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कौन सी की हम यूज करते हैं किसी भी की के साथ एक और की को लगाना, इज कॉल्ड एज कंट्रोल कीज। एरो नहीं है, स्पेस बार तो लाइन ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड मतलब स्पेस देना। फंक्शनल कीज जो होती हैं फंक्शंस बताने के लिए फंक्शनल कीज होती है, 1 to 12। इन मेकर सी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड, तो ये जो है ये मैग्नेटिक टेप्स के लिए होता है, तो आंसर इज कैरेक्टर। स्टोरेज मीडिया सच एज सीडी रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग, जो भी आपका स्टोरेज मीडिया दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया सीडी के लिए हम रीड एंड राइट किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज लेजर बीम। ठीक है, द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क विद डेटा इज कॉल्ड एज कैश मेमोरी सीपीयू मेगाबाइट रैम मेमोरी। तो स्पेस इन योर कंप्यूटर जो आपका लोड और वर्क करता है दैट इज योर रैम मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट होती है, मेगाबाइट्स नहीं, सीपीयू नहीं। द फाइल सिस्टम रिजाइड्स परमानेंटली ऑन, जो भी फाइल सिस्टम है वो आपका कहाँ पर रिजाइड करता है, परमानेंटली, प्राइमरी स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, डिवाइस स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज, तो वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज। इन मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बिटवीन कॉम्पोनेंट्स ट्रेवल बाय, दो मदरबोर्ड्स के जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किससे ट्रेवल करती है, बाय बस, पोर्ट नहीं, फ्लैश मेमोरी नहीं, आपका ये भी नहीं, ठीक है, सीएमएस भी नहीं। अब आते हैं आपके हिस्ट्री के सेशन, तो यहाँ तक था आपका कंप्यूटर सेशन, अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं, तो ये आपका पेपर बेस्ड है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रीन रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस वाज, अशोका के शासन में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो शिला लेखों में, मतलब उन्होंने जो अशोक इंस्क्रिप्शंस ने जो रॉक एडिक्स जो इंस्क्रिप्शंस बनाई थी, उस पहली इंस्क्रिप्शन उसने कौन सी लिखी थी, तो पहली इंस्क्रिप्शन उसने क्या लिखी थी, कलिंगा वॉर, जो कि 61, जिससे उसका पूरा धर्म परिवर्तन हो चुका था। फिर उसके बाद उसने धमा, देन उसके बाद थ्रोन के बारे में उसने इतना नहीं लिखा है जितना उसने आपका कलिंगा वॉर, फिर धम, फिर बुद्धिज्म, 13वें एडिक्ट में है आपका धमा का। प्लीनी क्या थे, प्लीनी जिसने संस्कृत ग्रामर लिखी है, तो रोमन राइटर, पार्थियन राइटर, ग्रीक राइटर या चाइनीज राइटर, तो आंसर इज रोमन राइटर। इन सेंट्रल इंडिया द कुशाण रूल, कुशाण जो थे ये ट्राउजर्स एंड बूट्स पहनते थे, 78 ईरा साका ईरा इन्होंने शुरू किया, इनके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर के अंदर, और जो उसने कुंडवलम बनाया था, ठीक है, तो गुप्तास क्लासिकल ईरा, ठीक है, सकंद गुप्त इज द लास्ट रूलर जिसमें हुनाज ने अटैक किया था, कुमार गुप्त ने आपकी क्या बनाई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, सातवनास सिमुका, ठीक है, कणव वासुदेव,
तो आंसर इज आपका कुशान, दैट इज मुरुंडास, आंसर इज मुरुंडास। विच और इनकी कैपिटल क्या थी? अमरावती, और इसमें ठीक है गुप्ताज नहीं, गुप्ताज में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो थी, चंद्रगुप्त टू ने क्या कैपिटल बनाई थी? उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था। सेकेंड, विच वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा इसमें से आपका निवास शैक्षिक संस्थान है? कांची, ये ज्यादातर किसकी कैपिटल्स थी? पल्लव्स की। तक्षशिला नहीं, विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? धर्मपाल ने, आंसर इज नालंदा, जो कि कुमारगुप्त ने बनाई थी। हु फाउंडेड पाला एम्पायर, पाल एम्पायर को किसने फाउंड किया था? रोहमा नहीं, ध्रुव नहीं, धर्मपाल नहीं, आंसर इज गोपाल, गोपाला ने जो है आपका धर्म पाल डायनेस्टी निकाली और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ द कन्नौज, किंग महिपाला ऑफ कन्नौज का कोर्ट पोइट कौन था? कल्हण और बाणभट्ट तो नहीं थे, कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र लिखी, रवि कीर्ति जो था पुलकेशन टू का था, आंसर इज राजशेखरा। हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमरे चहलगामी, चहलगामी किसने शुरू की थी? बलबन ने नहीं, इसने सिजदा पेबोस दीवाने अर्ज इसने शुरू किया, सिकंदर लोधी ने आगरा शुरू बनाया था, ठीक है गजे सिकंदरी इसने शुरू की, आरम शाह ने नहीं की, इल्तुतमिश ने, इसने ही एकता प्रथा शुरू की थी, ठीक है, और कुतुब मीनार भी इसी ने कंप्लीट करवाया था। अल बेरूनी जो थे ये कब आए थे? महमूद गजनवी के टाइम पे, ठीक है, तो आंसर इज 11वीं शताब्दी में आए थे ये। तारीख हिंद इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट सेक्युलर रूलर ऑफ अफगान कैलान, अफगान डायनेस्टी का सबसे धर्म निरपेक्ष शासक कौन था? चंगेज खान मंगोल्स थे जिन्होंने इल्तुतमिश के टाइम पर अटैक किया था, और इनको हराया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सीरी बनाया था। अबुल शाह नहीं, बलबन नहीं, ठीक है आंसर देखो, बलबन ने आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो की थी, आंसर है शेर शाह। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एबॉलिश्ड बाय, डुअल सिस्टम किसने एबॉलिश किया था? लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइस राय, लॉर्ड रिपन जिसको लोक फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था जो कि 1878 में आया था। लॉर्ड लेटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया था, इसने रिपील किया था, आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल कब बने थे? जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट केयर द रैंड, इसमें से कौन थे जिन्होंने रैंड जो किंग्स फोर्ट था उन पे गोली चलाई थी, उनको मारा था? बरिंदर कुमार नहीं है, प्रफुल चक्की नहीं है, जितेंद्र नहीं है, आंसर इज चेपकर ब्रदर्स, इनको हम चेपकर ब्रदर्स भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर नॉट इन्वॉल्व विद द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को सबसे ज्यादा लाला लाजपत राय, बीपी बाड़िया, एनएन जोशी, इन सब ने लिया, लेकिन मोहन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं लिया था। कोई भी क्वेश्चन पे अगर डाउट लगता है, क्योंकि फास्ट हूँ तो हो सकता है कोई बोलने में दिक्कत आई हो, तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। नाउ आता है ज्योग्राफी सेशन, मानसून विंड्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, मानसून विंड्स कब फैल करती हैं? देखिए दो होती हैं, एक होती है साउथ वेस्ट और एक होती है रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग जो होती है वो नवंबर से, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होती है, तो ये भी याद रखना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है तमिलनाडु। तो आंसर इज पीरियोडिक विंड्स, सीजनल विंड्स है। प्लानिटरी तो होती हैं आपकी वेस्टडीज ईस्टडीज, ये होती हैं। ट्रेड विंड्स, लोकल विंड्स, लू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसमें से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म कौन सी नहीं है? हेल, स्लीट और स्नो, की सारी रेनफॉल है, ड्यू जो है ये आपकी प्रेसिपिटेशन नहीं है। पोजीशन, जब सन मून अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पे हो, जैसे ये सन मून अर्थ ये स्ट्रेट लाइन पे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिशन, क्वाड्रेचर नहीं, आंसर इज सिजगी, आंसर इज सिजगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को खत्म नहीं कर सकते? इंसिनरेशन ये भी है जिसमें हम बर्न कर देते हैं, कंपोस्टिंग से भी हम अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खत्म कर सकते हैं,
लैंडफिल साइट से भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खत्म कर सकते हैं? आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लैंडफिल भी है, क्योंकि जहां पे जितना भी सॉलिड वेस्ट है आप वहां पे उसको डंप कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंज्यूम्स मोर फिश देन एनी अदर कंट्री? तो सबसे ज्यादा फिश कौन खाता है? चाइना. यहाँ तक क्लियर? प्लीज स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और होप सो कि आप बोर ना हो रहे हो और थके भी ना हो. शेवियट हिल्स आर लोकेटेड इन, शेवियट हिल्स कहाँ पे है? इसको बोलते हैं हम नॉर्थ थंबरलैंड, नॉर्थ थंबरलैंड, दैट इज बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. तो ये इन दोनों के बॉर्डर लैंड पे है भाई, ठीक है? तो ज्यादातर स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड दोनों है, ठीक है? आइसलैंड रिक्जविक, आयरलैंड डबलिन इसकी कैपिटल है. शैन मैसिव प्लेट्यू इज लोकेटेड एट, शैन मैसिव मैसिव प्लेट्यू जो है ये म्यांमार में है. इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्किपेलेगो ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आर्किपेलेगो कौन सा है? इंडोनेशिया. मलेशिया जो है रबर्स के लिए फेमस है, थाईलैंड नहीं. तो अगर हम देखें इसके बाद आता है फिलिपाइंस. मला मलायस पालकोंडा हिल्स आर इन वेस्टर्न घाट्स, को आप सयादरीज भी बोलते हैं, और वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है आपकी कौन सी? अनायमुड़े. ईस्टर्न घाट्स की है अर्माकोंडा, और ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं? ईस्टर्न घाट्स. अनजंता रेंज जो है ये औरंगाबाद में पड़ती है, जहाँ पे अजंता एंड एलोरा की गुफाएं हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली, इसमें से कौन सी जो है रिफ्ट वैली नहीं बनाती है? देखिए नर्मदा एंड तपी आर द रिफ्ट वैली, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है? ये अमरकंटक से निकलती है. गोदावरी, गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं. विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू, विंटर रेनफॉल क्यों होती है? टेम्परेट से नहीं होती. अभी मैंने आपको बताया ये हैं आपकी रिट्रीटिंग मानसून, जो कि आपके घटते मानसून है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलते हैं, और अब वो खत्म है क्योंकि अब जो है आपका विंटर सीजन चल रहा है. धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा रेंज, विंध्यास का है सद्भावना, अरावलीज का है आपका, ओल्डेस्ट माउंटेन्स अरावलीज हैं, और ये है आपका गुरशिखर. बनेर जो है ये मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं. सिंध प्लान इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ भंगार, पुरानी अलुवाइल सॉइल की ये टाइप से, ठीक है? अलुवाइल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, जो ज्यादातर इंडो गैंगेटिक प्लेन होती है. तो सबसे ओल्ड बंगार, फिर खदर. कायाल्स क्या होते हैं? कायाल्स जो होते हैं ये केरल में पर्वतमाला है, नहीं. राजस्थान में रेगिस्तान है, नहीं. ये केरल के लेगून्स हैं, ये क्या है आपके? लेगून्स. तुंग भद्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, नहीं. कावेरी, नहीं. आंसर इज कृष्णा, नर्मदा नहीं. Which of the following is not an example of biotic resource? इसमें से जैविक संस्थान कौन है? देखिए ये सारा हमें biological ही मिलता है, मतलब living organism. सिर्फ gold जो है that is abiotic. Polity करते हैं. Japan parliament is known as, Japan के parliament को बोलते हैं diet. Afghanistan के shura, yuan, China. What is the fixed strength of Rajya Sabha? कौन सा article है? 86 years duration, 30 years age, 250. अभी जो है present generation that is 250. वैसे होती है fixed कितनी है? Maximum 255, जिसमें से 238, ठीक है? 238 और 12 जो हैं आपके, ये 50 हैं. अगर हम देखें तो 243 और 12. वैसे कितने हैं? 243 और 12 जो है जो president चुनता है. अब टोटल मेंबर्स जो प्रेसिडेंट चुनता है वो टोटल 12 ही हैं. दो जो थे एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा चुनती थी वो नहीं है, ठीक है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है आपका? वाइस प्रेसिडेंट. फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मीरा कुमार. सुचेता कृपाणी फर्स्ट सीएम. विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है? यूएन असेंबली में. यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, यूनियन बजट सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकसभा, राज्यसभा या जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो जो भी यूनियन बजट है दैट इज प्रेजेंटेड इन जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे, ठीक है? वैसे देखा जाए जो मनी बिल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा लोकसभा में होते हैं, ठीक है?
हु प्रिजाइड्स ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट, लेकिन इसको प्रिजाइड करता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा 93 आर्टिकल. नेक्स्ट पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. ये है आपका पार्ट फोर, ये है आपका पार्ट फिफ्थ ए, ये है आपका राइट आंसर इज दिस 12 to 35 सिटीजनशिप पार्ट टू दैट इज 5 to 12. A presidential ordinance can be remain for the force of 2 months, 3 months, 5 months, yeah, 6 months. Who is the guardian of public affairs? That is controller, auditor general, jinko chunta hai president. 6 years, 65 years. ठीक है. Next question. Science session है. A pH of what 7 signifies? जो 7 होती है. देखिए pH इस तरह से है. तो यहाँ से 7. यहाँ से आपका एसिडिक और यहाँ पे आपका बेस. 7 जो होता है ये न्यूट्रल भी सिग्निफाइज करता है, लेकिन पीएच 7 जो होता है ये बेसिकली प्योर वाटर भी है और न्यूट्रल भी है. ठीक है, ज्यादातर हम क्या लेंगे इसका? प्योर वाटर ज्यादातर, क्योंकि पीएच 7 जो है वो हमेशा न्यूट्रल पे ही आती है. तो आप दोनों कर सकते हो उस पर क्लिक, न्यूट्रल भी एंड प्योर वाटर भी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर? सेलुलोज, बाकी सारे सॉल्यूबल हैं. पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. बॉक्समैन ने विटामिन. पाश्चर, रोनाल्ड रोस ने टीबी. फैट्स इन द आपका फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन. लीवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है, जिसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर. पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है. किडनीज जो एक्सक्रीशन का काम करता है. आंसर इज एडिपोज टिश्यू. डिजीज थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस जो है वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से हार्ट बर्न, आई से कंजक्टिविटीज, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लंग्स से हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज. आंसर इज ब्लड. अब आता है इंग्लिश सेशन, इसके बाद आपका करंट अफेयर सेशन है. बस 3 slides हैं, मतलब 2 slides मान के चलो या 3 slides हैं बस. ठीक है, 3 slides आई होप सो. He is an aspirant dash an honor from the president. That is, he is an aspirant for an honor from the president. Antonyms of aggravate. Aggravate होता है किसी चीज को उकसाना. उकसाने को हिंदी में क्या बोलते हैं? Soothing. Idiom to be at sea. That is called to be perplexed. Krishan sarp में कौन सा समास है? Answer is tatpurush. अंधा क्या चाहे दो आंखें, मन चाहा इच्छा पूरी हो जाना, दैट इज कॉल्ड मन चाही वस्तु. शुद्ध शब्द परिचय. ठीक है, नाउ करंट अफेयर्स. इन करंट अफेयर्स को जरूर याद करें, और जो भी लोग हैं अगर करंट अफेयर्स जुलाई से नवंबर के पहले पहले तक देखना चाहते हैं तो वो आपकी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, आप चेक कर सकते हैं. और हर शनिवार, हर सैटरडे आपके वीकली 9 PM पे आपके वीकली करंट अफेयर्स आएंगे. ठीक है, रिसेंटली विच बैंक हैज ओपन ATM ऑन द हाउस बोट डल लेक श्रीनगर. श्रीनगर की जो डल लेक है उसमें ATM खोला गया है. किसने खोला है? दिनेश खरे, जो कि CEO है आपके SBI के. तो आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सबसे पहला जो था वो 2004 में केरला में खोला गया था, और दूसरा जो है डल लेक में खोला गया. ये भी पूछा जा सकता है कि ATM जो SBI द्वारा ATM किस जगह पे खोला गया? श्रीलंका या सॉरी श्रीनगर, और कहाँ पे? आपके डल लेक. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ऑपरेशन ऑफ इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजंस फ्रॉम वॉर टॉर्न अफगानिस्तान? ये जो आपका इंडिया ऑपरेशन है, ठीक है, मतलब जितने भी सिटीजंस हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान पे तालिबान ने अटैक कर दिया था, तो उस टाइम पे लोगों को बाहर निकाला जाता. तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे मिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था. इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी एज काकोरी ट्रेन एक्शन? देखिए 1925 में हुआ था काकोरी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, काकोरी डकैती बोलते, तो उन पे जो है उस टाइम पे ये कॉन्स्पिरेसी चली थी, उन्होंने चलाई थी डकैती.
तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, कॉन्स्पिरेसी की जगह ककोरी ट्रेन एक्शन। तो इसका नाम किस स्टेट गवर्नमेंट ने चेंज किया है, दैट इज उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो क्या थी, 5+3+3+2 का अरेंजमेंट, और कस्तूरी रंजन ने जो है ये चलाई थी, ठीक है, जिसमें आपका जो HRD डिपार्टमेंट है उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया है। ये पॉलिसी थी, स्किल्स पे थी। तो पहली स्टेट कौन सी बनी है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ले ली है, दैट इज कर्नाटका। आंसर इज कर्नाटका, ठीक है। इन विच स्टेट एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड। एक मास्क अनेक जिंदगी एक प्रोग्राम चलाया गया है उस स्टेट द्वारा, ताकि लोगों को मास्क की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए। तो ये किसने चलाया है, मध्य प्रदेश ने। हु हैज रिसेंटली लॉन्च कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट नेम्ड ई-रूपी फॉर डिजिटल पेमेंट। ई-रूपी फॉर डिजिटल पेमेंट किसने चलाया है, ई-रूपी फॉर डिजिटल पेमेंट ये चलाया है मिस्टर मोदी ने, सो दैट की इजिली एक्सेस कर सके। इट्स द कॉन्टेक्टलेस कैशलेस कॉन्टेक्टलेस ये पेमेंट है, ठीक है। तो ई रूपी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर तो आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम पेज, दैट इज पूजा गुप्ता चैनल। फॉलो फेसबुक पेज जो है पूजा गुप्ता का, उसको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन में कोई ड्रॉबैक्स ना लगे हों। अगर तो आपको ये सेशन और मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को रिकमेंड जरूर करना। अभी जितना बन सकता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट या बेस्ट जो है क्वेश्चंस लेकर आऊँ, और पूरी मेहनत के साथ लगी हूँ। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रिकमेंड भी करना, ताकि आने वाले टाइम पे हम आपके साथ JOA का जो सेशन ला रहे हैं डिटेल सेशन, वो भी जो है वो प्रॉपरली अपडेटेड हो सके, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, और उम्मीद भगवान से यही दुआ करूँगी कि जो करवा रही हूँ वो क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप ये ना कहूँ कि मैम आपने जो करवाया वो कुछ ना आए, कुछ नहीं आया, तो ये आपको निराशा नहीं, सबसे ज़्यादा मुझे निराशा होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो करवाया है उसमें से कुछ आए और मैक्सिमम आए, ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। आज का सेशन यही है, अब हम कल का सेशन लाएंगे, जिसमें आज आपने सिंपल वर्जन किया है तो कल है एडवांस। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आई है तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी, बट एक चीज़ है, आज थोड़ा सेशन मैंने फास्ट किया तो उसके लिए भी माफ़ी। बट अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना। एंड जो आज आपका हिमाचल GK भी मैंने इसी में कवर कर दिया, क्योंकि 2 घंटे की क्लास है, और आने वाले टाइम पे शायद कल अगर टाइम मिला तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगी, बट अभी ऐसे चलने देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और तब तक के लिए ब्लेस्ड रहिए, स्टे फिट स्टे कोजी, और अच्छे से पढ़िए, पूरी दिल जान से मेहनत कीजिए, भगवान करे कि आपकी मेहनत सफल हो। बाय बाय।